सामने मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के थ्योरम नंबर 2 को लेकर के मौजूद हूं। तो थ्योरम 2 कहता है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। कभी ऐसा हो जाए कि साइन थीटा और साइन अल्फा दिया हुआ है इक्वल टू में, तो उस कंडीशन में ये जो थीटा है ना, ये थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इस थीटा का वैल्यू जो होगा वो ये होगा एन पाई प्लस माइनस वन होल टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू आई। कभी अगर ऐसा दिखने को मिले आपको साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा टाइप का क्वेश्चन है ना, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? एन पाई प्लस माइनस वन होल टू द पावर एन और एन बिलोंग्स टू आई। ओके, इसको प्रूफ कैसे करते हैं? इसको हम लोग यूज करेंगे एज ए फॉर्मूला, लेकिन कब? जब एक बार इसको प्रूफ कर लेंगे तब, है ना। तो आइए एक बार इसको प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे ये प्रूफ होता है। काफी इंटरेस्टिंग और काफी आसान सा ये थ्योरम है और आपको समझने में काफी मजा आएगा, है ना। एक बार आप जरूर एक काम करेंगे कि जब भी आप वीडियो को देखें तो आप थ्योरम जो मैं बताता हूं उसको आप अपनी कॉपी पर जरूर आप एक बार लिखें खुद से, तो आपको थ्योरम पूरी तरह से क्लियर कर देगा माइंड से और उसको यूज करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। ओके, तो देखते हैं कि थ्योरम क्या दिया हुआ है। इसका प्रूफ मैं देता हूं। इसका प्रूफ क्या है आपको? इसमें आपको गिवेन दिया हुआ है, गिवेन दैट, गिवेन में क्या दिया हुआ बच्चों? कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये दिया हुआ है। तो हम इसको हम कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो। इस तरह से अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें और कर दिए। अब यहां से आप एक चीज जानते हैं कि साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट इसी टाइप का ये फॉर्मूला है। और इसका फॉर्मूला होता है टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू और इंटू टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ये इसके फॉर्मूला होते हैं। और जो जो फॉर्मूला यूज होगा ना, मैं उसको साइड में लिखते जाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे आराम से, इसको लिख सकते हैं टू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो, ये यूज कर सकते हैं। और अगर इसको यूज कर सकते हैं तो अब ये बात भी हम जानते हैं कि टू इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो और साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। यानी इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटेन एज, है ना, इट कैन बी रिटेन एज, कुछ इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। भाई कैसे लिख सकते हैं जरा देखें कि हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो एंड साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो, हम दोनों को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अभी मैंने आपको एक तुरंत बात बताया था कि अगर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो दिया हुआ है तो इस थीटा का वैल्यू क्या होता है? टू एन प्लस वन ब्रैकेट में पाई बाई टू होता है, है ना, अभी तुरंत मैंने बताया था। तो सोचिए कि आपको अगर ये कॉस थीटा इक्वल टू जीरो दिया हुआ है तो इस थीटा का वैल्यू क्या होगा? इस थीटा का वैल्यू ये होगा। यानी यहाँ पे हम देखना चाहते हैं तो देखें तो थीटा के ऊपर क्या है, थीटा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू एन प्लस वन बाई टू और ब्रैकेट में इधर क्या हो जाएगा? टू एन प्लस वन और पाई हो जाएगा, या फिर हम पाई को हम चाहेंगे तो बाई टू को इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी रख लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, रख लिए। आप चाहेंगे तो इस टू से टू को कैंसिल कर सकते हैं और ये आपको हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू टू एन प्लस वन और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? पाई, है ना। थोड़ा सा आगे और चलें तो आपको पता चलेगा थीटा इक्वल टू हो जाएगा टू एन प्लस वन और पाई और माइनस अल्फा, है ना। अब बच्चों यहां पर थोड़ा आप देखें तो एक बात आपको पता चलेगा क्या, कि थीटा इक्वल टू ये टू एन प्लस वन क्या है, एक ऑड मल्टीपल को इंडिकेट करता है, है ना, क्या करता है? ऑड मल्टीपल। तो ये क्या हो गया? ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो थीटा का जो वैल्यू आया है वो आया है हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई
माइनस अल्फा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व सॉल्यूशन करता हूं, और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो आप जरा देख, इसका सॉल्यूशन। तो ये हम जान रहे हैं यहां पर कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू जीरो है, और हम बहुत अच्छे जानते हैं कि जब साइन थीटा इक्वल टू जीरो है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, एन पाई होता है, क्या होता है, एन पाई होता है ना। तो हम यह कह सकते हैं बहुत आसानी से कि थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू क्या होगा, एन पाई। थोड़ा सा और आगे अगर बढ़े तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो टू एन पाई हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो थीटा का वैल्यू निकालना है तो टू एन पाई और प्लस अल्फा हो जाएगा, ओके ये हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं एक स्टेप, जैसे इसको मैंने लिखा है उसी तरह से इसको भी मैं आपको दिखा दूं। तो इस तरह से आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा ना कि आप जो है टू एन एक इवेन मल्टीपल को इंडिकेट करता है, किसको करता है, टू एन इवेन मल्टीपल को इंडिकेट करता है, यानी ये हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल टू इवेन मल्टीपल ऑफ पाई और प्लस अल्फा। तो थीटा का वैल्यू दो जगह आ रहा है, और दोनों जगह क्या आ रहा है, एक जगह जो आ रहा है वो आ रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, और यहाँ पे आ रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। सोचिए बच्चों कि अगर आपके सामने कभी इवन और ऑड को आप क्या करें, मिला करके लिख दें, इवन और ऑड को मिला करके अगर आप लिखते हैं कभी, तो यही हमारा क्या बनता है, इंटीजर बनता है, क्या बनता है, इंटीजर कंटिन्यूअस नंबर बन जाएगा। अब यहाँ शुरू है 2 4, यहाँ पर है 2 4 6, और यहाँ पे है 1 2 1 3 5, है ना। तो आप सोचिए कि दोनों को एक साथ रखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू हो गया कि नहीं, और कंटिन्यू हो गया तो इसको इंटीजर कह सकते हैं, है ना, ये इंटीजर है। तो इंटीजर है तो अगर आप दोनों को कंबाइन करके लिखिएगा, थोड़ा सा मैं इस बात को यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे है ना, प्रूफ में कर रहा हूं। तो थीटा इक्वल टू अगर हम दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन अगर करते हैं ना, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा कि इस इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को जब क्या करेंगे, टुगेदर करेंगे, साथ में करेंगे, एक साथ रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, क्या बोल देंगे, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। और यहां देखिए माइनस अल्फा है, यहां पे क्या है, प्लस अल्फा है, माइनस अल्फा है और प्लस अल्फा है, ये दोनों को एक साथ करना चाहते हैं। तो पता है ना अल्फा आपको क्या है, अल्फा अपने पास प्लस रख रहा है, अल्फा अपने पास माइनस रख रहा है। तो अगर हम यहां पर क्या करें कि कुछ इस तरह से अरेंज करें कि यहां प्लस दे दें और यहां पर दे दें क्या, यहीं पर माइनस वन पे पावर एन दे दे, है ना, और एन हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अभी मैं इसको भी एन के फॉर्म में लिखूंगा और यहां पर क्या दूं, अल्फा। तो आपको भी कुछ और बात क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई, एन फॉर इंटीजर, और प्लस माइनस वन टू द पावर एन और इंटू अल्फा। अभी आपको पता चलेगा कुछ बात कि पहले वाला बात आ रहा है कि नहीं। देखिए अगर आप यहां सोचिए कि अगर आप यहां कभी ऑड नंबर रखिएगा, कभी भी यहां ऑड नंबर रखिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, माइनस अल्फा मिलता है कि नहीं वो देख लीजिए। अगर आप ऑड नंबर मतलब वन रखिएगा तो माइनस वन की पावर रहेगा, क्या होगा, माइनस ही होगा ना, क्या होगा, माइनस ही होगा ना, है कि नहीं। ये तो मैंने इंडिकेट किया था, ऐसा मत समझिएगा ये माइनस डाला था, नहीं इसको मैंने इंडिकेट किया था सिर्फ इस तरह से, है ना। तो अगर एन के ऊपर हम क्या रखते हैं, ऑड, ऑड रखेंगे तो हमेशा माइनस मिलेगा। और सोचिए इस एन के जगह पर आप पॉजिटिव रखिए, मतलब इवेन रखिए, इवेन रखिएगा तो इवेन रखिएगा तो माइनस वन का स्क्वायर, इवेन मतलब स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर का मतलब क्या, प्लस। तो इस तरह से आपको क्या हो जाता है कि दोनों को कंबाइन करके हम ऑड और इवेन को मिला करके एक इंटीजर मल्टीपल बना लिए, और अल्फा और माइनस अल्फा को मैंने हमने इस तरह से अरेंज कर दिया है कि दोनों के पहले या तो प्लस या तो माइनस है, तो उस प्लस और माइनस को हमने एक जनरल फॉर्म में ले लिया, और जनरल फॉर्म में माइनस वन का पावर एन दे दिया, और एन हमारा क्या हो गया, एक इंटीजर की तरह वर्क कर रहा है। जब एन का आप यहाँ पे रखिएगा ऑड वैल्यू तो ये भी ऑड हो जाएगा, जब यहाँ पे आप रखिएगा इवन वैल्यू तो ये भी इवन हो जाएगा, जब इवन रखिएगा तो ये मिलेगा, इवन मिलेगा, जब यहाँ ऑड रखिएगा तो यहाँ पे ऑड मल्टीपल वाला मिल जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आपको थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस माइनस वन टू द पावर होल जो आता है, ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है ना। इसको आपको एक बार वीडियो को पुनः देखिएगा, और पुनः देखने के बाद आप इसको कॉपी पर जरूर खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कॉपी पर सॉल्व नहीं करिएगा ना, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और इसको हम लोग एक्सरसाइज में डायरेक्ट यूज करना शुरू करेंगे, कुछ नहीं वहां पे कोई प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ तो एक बार हो ही चुका है, अब प्रूफ क्या, अब तो सीधा इसका यूज करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन बार आते हैं डायरेक्ट हमारा दिमाग काम करता है वहां पे यूज कर लेते हैं। उसी तरह से इसका हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो यूज करना शुरू कर देंगे, है ना। तो इसको वीडियो को दोबारा आप देखेंगे और कॉपी पर जरूर एक बार अपने खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, तब आपको ये पूरा माइंड में सेट हो जाएगा और आप क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ आपको थ्योरम नंबर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चलकर दिखा, भीड़ से तू अलग चलकर दिखा।